अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म पृथ्वीराज चौहान आज सिनेमा घरों में रिलीज की गई और जिस तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हुई थी उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अक्षय कुमार की ये इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म होगी। बता दें कि सम्राट पृथ्वीराज की शौर्य गाथा पर बनी ये फिल्म आपके रगों में जोश भर देगी। वहीं इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ मानुषी छिल्लर की केमिस्ट्री लाजवाब दिख रही है। पद्मश्री से सम्मानित डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के निर्देशन और यशराज बैनर तले बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। वहीं यह फिल्म हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल भाषा में भी रिलीज की गई। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार शेरों से लड़ते हुए दिखाई देंगे जो कि एक वास्तविक सीन है। जी हाँ, अक्षय कुमार ने सीन के लिए रियल में शेरों से लड़ाई की है और इसकी शूटिंग के लिए वो अपने क्रू मेंबर के साथ अफ्रीका गए थे। वहीं आपको बता दें कि इस फिल्म में हर एक किरदार ने अपनी अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाई है। फिर चाहे वो पृथ्वीराज के किरदार में अक्षय कुमार हो, वहीं मानुषी छिल्लर जिनकी ये पहली फिल्म है, इसके बावजूद भी उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से महारानी सहयोगिता का अभिनय निभाया है। इसके साथ ही अभिनेता संजय दत्त काका कान्हा के किरदार में जच रहे हैं, तो वहीं सोनू सूद, चंद्र दाई व मानव बीज, मोहम्मद गौरी तथा आशुतोष राणा कन्नौज के राजा जयचंद के किरदार को बखूबी निभा रहे हैं। वहीं भोलेनाथ के नारों से पूरा सिनेमा घर गूंजता हुआ नजर आएगा। 300 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म में आपको अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा और इस फिल्म में किरदारों के पोशाक पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के बोरीवली के सिंटेक ग्राउंड में हुई है, जहां पर दिल्ली, राजस्थान और कन्नौज के सेट बनाए गए थे। फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने दिल्ली के महलों को लाल, राजस्थान के लिए पीला और कन्नौज के लिए उजला रंग इस्तेमाल किया है। अब यहाँ आपको सम्राट पृथ्वीराज मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में बताते हैं। जिस तरह से फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की एडवांस बुकिंग हुई है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि अपने पहले दिन मेजर और विक्रम फिल्म से टक्कर लेने के बाद ये फिल्म 10 करोड़ के ऊपर कमाई कर सकती है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म उस मुकाम तक कमाई नहीं कर सकती जितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इसके साथ साथ विक्रम व मेजर फिल्म रिलीज हो रही है। लेकिन यदि आप भारत के महान राजा पृथ्वीराज की शौर्य गाथा देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।